अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, एमएस वर्ड 2021 के 12th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में एमएस वर्ड ओपन करना होगा। विंडो पावर बटन प्रेस करें, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा हमारे पास और इसके अंदर हमें लिखना है विन वर्ड और ओके बटन प्रेस करो। थोड़े से प्रोसेस के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने शेप ऑप्शन पढ़ा था। जैसे हमने शेप लिया था तो हमारे पास इधर टेप ओपन हो चुकी थी, शेप फॉर्मेट की वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें आइकन। आइकन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। इस वजह से नहीं पढ़ा रहा कि एमएस वर्ड के अंदर जो जो पढ़ने की काम की चीज़ होंगी ना, मैं आप लोगों को वो पढ़ा दूँगा। ठीक है, आइकन अब ये हमारे काम में इस्तेमाल नहीं होते। वैसे ये होता है कि भाई हमें कोई ये इसके आइकन पर भी आप दे सकते हैं, जैसे ये बतख छपी हुई है तो इंटरनेट से आप ऐसे आइकन इसके अंदर एड कर सकते हैं। इस इजी वे में बोल दो कि भाई सिंबल्स हो गए। ठीक है, 3D मॉडल्स, भाई जैसे ये शेप बना हुआ है 3D टाइप के शेप होते हैं वो आप इसके अंदर एड कर सकते हैं। इस पे साइट पे थोड़ा क्लिक करते हैं, अगर आपने डाउनलोड किए हुए हैं तो इस डिवाइस पे क्लिक करें, आप अपने लैपटॉप के जरिए कंप्यूटर के जरिए आप अपने पेज पे एड कर सकते हैं अगर आपके पास डाउनलोड है आपके सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, जो हमारा काम होता है ना उसको ग्राफिक में शो करता है। ठीक है, मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑल पे आप जाएंगे तो इसके अंदर जितने भी स्टाइल होंगे ना स्मार्ट आर्ट के, वो आपको सारे इधर नजर आएंगे जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा काम करना है जो लिस्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो इधर देखें लिस्ट में आ जाए, ये काफ़ी सारे लिस्ट हैं। प्रोसेस में आ जाए तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, सर्कल में आ जाते हैं, ये देखिए हमारे पास सर्कल हो गया। तो मैं प्रोसेस पे आता हूँ, प्रोसेस पे मैंने ये वाला शेप, मैंने शेप पे क्लिक किया तो उसने मुझे इधर दे दिया कि भाई आपके पास कलर हो के ये ऐसा शेप आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके मैं कर देता हूँ। मैंने जैसे ओके किया, देखें आप, जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास पेज के ऊपर वो स्मार्ट आर्ट का शेप आया, तो मेरे पास दो टेप ओपन हो चुकी है, स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट। तो आज हम इंशाल्लाह स्मार्ट आर्ट को क्लियर करेंगे। ये इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं आज हम वो सारे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इधर लिख दिया इनपुट इनपुट। ठीक है, उसके बाद नीचे टेक्स्ट पे क्लिक किया, इधर मैं लिख देता हूँ प्रोसेस इनपुट प्रोसेस, और इधर मैं लिख देता हूँ आउटपुट। ये हमारे पास है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस सीपीयू के अंदर होता है, इनपुट कीबोर्ड के जरिए देते हैं, प्रोसेस सीपीयू के अंदर होता है और मॉनिटर पे उसका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब देखें अगर मैं ये अपने पेज के अंदर ऐड कर देता हूँ, जो बंदा देखेगा बोलेगा यार इसने काम तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ग्राफिक वे में किया हुआ है, मैं इसको टेक्स्ट स्टाइल इसका स्टाइल में चेंज कर दूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जाते हैं हम, मैंने इस पर क्लिक किया, हम स्मार्ट डिज़ाइन में जाते हैं, एड शेप। अब ये है कि भाई आपको प्रोसेस के बाद एक और शेप ऐड करना है, तो एड शेप पे क्लिक करेंगे आपके पास शेप ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक सवाल ये होता है, कोई बंदा आपको बोलता है कि भाई एड शेप ऐड करो, आप इधर एड शेप पे क्लिक करते हैं, वो शेप ऐड हो गया। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई इनपुट के बाद एक शेप ऐड करो, तो आप क्या करोगे? डरने की कोई बात नहीं है, एड शेप लिखा हुआ है, इससे थोड़े से आगे मूव करोगे तो ये निशान है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इधर आ गया, एड शेप आफ्टर, एड शेप बिफोर, एड शेप अबव ऊपर, एड शेप बिलो नीचे। और ये जो आइकन बने हुए हैं ना इसके, इनों से आप देख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर बिलो वाला आइकन, बिलो मतलब नीचे, बिलो अब नीचे आ गया, एड शेप बिफोर मतलब के बाद, पहले आफ्टर मना के बाद। ठीक है, अब जैसे इनपुट है, मुझे क्या इनपुट और प्रोसेस के बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बिफोर पे क्लिक करूँगा, सॉरी बिफोर मेरे पे पहले आ गया, तो मैं करता हूँ आफ्टर। ठीक है, इनपुट प्रोसेस, इनपुट पे मैं एक्टिव था, मैंने बोला कि भाई इनपुट के बाद मुझे एक शेप चाहिए, तो मैंने जैसे ही एड शेप आफ्टर पे क्लिक किया तो मेरे पास वो इनपुट के बाद एक शेप एड। ठीक है,
आप इसमें अब टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, डबल क्लिक करें, देखें डबल क्लिक नहीं होगा, तो आप क्या करें कि इस पे क्लिक करें और ये जो इसका बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको ऑप्शन पढ़ाया हुआ है, जब आप इंसर्ट में जाते हैं शेप पे आप क्लिक करते हैं तो इधर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर आप इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी नहीं करते तो आप इस पे क्लिक करें और इधर आके इसको राइट बटन प्रेस करें और इसको ड्रैग करें, इसके अंदर आप अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी है काम। फिर से हम चलते हैं इसके स्मार्ट डिजाइन के टैब में। ठीक है, एट आफ्टर के बाद, बिफोर पहले, अबव ऊपर, बिलो नीचे, नीचे वाला हमारे पास डीएक्टिवेट है ऑप्शन। ठीक है, वो वैसे इस्तेमाल का नहीं है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद है एट बुलेट। अब इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखी हुई, इस वजह से ये वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट है। बुलेट मैंने आपको होम टैब के अंदर मैंने पढ़ाया था, मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया था। मैं इधर लिख लेता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट पे बुलेट एक्टिव होगा तो मैं इधर मैं लिख लेता हूँ अली। ठीक है, अब देखें ये वाला बुलेट मेरे पास एक्टिव होगा, इन चीज़ को हम बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है, तो मैं जाता हूँ प्रोसेस पे, मैंने क्लिक किया, स्मार्ट डिज़ाइन पे मैं चला गया, एट बुलेट पे मैंने क्लिक किया। देखिए जैसे ही मैंने एट बुलेट पे क्लिक किया तो जो राइटिंग थी ना वो काफ़ी कम लिखी हुई है, तो उसने क्या किया कि एक और टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इंटर करेंगे वो देखें वो बुलेट में कर। मैंने जब इधर क्लिक किया तो हमारे पास इधर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये इनपुट पर बस छोटी सी टेक्स्ट लिखी हुई है। अब देख इसके आगे एट बुलेट मैंने किया, वो देखें उसके आगे उसको पहुँचाते हैं। तो बुलेट का काम ये होता है कि हमारे टेक्स्ट को पॉइंट में शो करवाता है, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने दिया है। टेक्स्ट पेन इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें, मैं इसको बुलेट के ऑप्शन को पहले डिलीट कर देता हूँ, क्लिक किया और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, इधर क्लिक किया और मैंने, अगर आपको डिलीट करना है जैसे मैंने इधर क्लिक किया, अब डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कुछ नहीं होगा, आपको जब यह टेक्स्ट को डिलीट करना होगा तब क्या करेंगे, ये जो लाइन नजर आ रही है ना टेक्स्ट बॉक्स में, इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। टेक्स्ट पेन हमारे पास क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं इधर डबल क्लिक करके नहीं लिखना चाहता तो मैं टेक्स्ट पेन के जरिए इसके अंदर टेक्स्ट एड करना चाहता हूँ। टेक्स्ट पेन आप इधर क्लिक करेंगे ये हमारे पास टेक्स्ट पेन आता है। ठीक है, या आप अगर ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहे आप इधर टेक्स्ट पेन पे क्लिक करें आपके पास आ गया। अब देखें इनपुट, ये इनपुट लिखा हुआ ये कुछ नहीं है, हमने इधर कुछ भी नहीं दिया होगा, तो हम इधर इनपुट, वैसे डेफिनेशन अगर मैं इधर कोई वर्ड एड करता हूँ तो डेफिनेशन खराब हो जाएगी कंप्यूटर की, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रोसेस ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर हमारे पास वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया ये हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी इस शेप के फॉर्मेट शेप के अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स इसका जो होता है उसमें डबल क्लिक करके भी शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। प्रोमोट डिमोट ये क्या करते हैं, हमारे शेप को ख़त्म करते हैं। जैसे अब मेरे पास ये वाला शेप है, ठीक है, मैं इसको इस पर ले लेता हूँ, मैंने इस पर ले लिया, उस पर हमारे पास डीएक्टिवेट था ये वाला ऑप्शन क्योंकि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इस पर क्लिक किया। मैं डीमोट पे करता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखी हुई है ये शेप से ख़त्म हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए। जैसे मैंने डीमोट क्लिक किया वो देखे बाहर की तरफ। प्रोमोट मुझे वापसी पे करना है, मतलब कि शेप अगर ख़त्म करना है डीमोट करोगे, अगर वापसी टेक्स्ट को शेप के अंदर लेकर आना है तो आप प्रोमोट करोगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले डिज़ाइन चेंज था हमारे पास, अब देखें डिज़ाइन चेंज हो रहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई आपको कैसे वे में रखना है डिज़ाइन। मूव अप मूव डाउन इसका तो आपको मालूम होगा, मूव अप ऊपर, मूव डाउन नीचे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेआउट का ऑप्शन, इसके अंदर इसकी काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन होते हैं, डीएक्टिवेट है, लेकिन घबराने कोई बात नहीं। ये देखें इधर लेआउट लिखा हुआ है, आप इधर आके क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे पास प्रोसेस के जितने भी डिज़ाइन हो सारे हमारे पास प्रोसेस के डिज़ाइन कर। जैसे अब मैंने पहले कौन सा मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था वो इसके अंदर नहीं आ रहा, नहीं है, नहीं वो वाला डिज़ाइन नहीं है, चलो इस पे आके मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखें वो चेंज हो के हमारे पास है। ठीक है, आपको वो अगर वो जो आपने पहले शेप ले लिया वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इधर लेआउट्स पे जाके इधर आप क्लिक करेंगे और जो इसके अंदर डिज़ाइन होगा आप उस पे क्लिक करेंगे। जो मैंने एक्टिव किया हुआ है ना वो इस लेआउट के डिज़ाइन के अंदर होना चाहिए, पहले मेरे पास ये एक्टिव था नहीं आ रहा था, जैसे मैंने कोई और डिज़ाइन चेंज किया फिर मेरे पास ये एक्टिव।
ठीक है, वापसी में इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा वापसी आईडी साइड में इस वाले को हम ख़त्म कर देते हैं। मैंने इधर क्लिक किया और मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, नहीं हुआ, तो हम कैसे ख़त्म करेंगे इसको? इसको उठा के हम बाहर की तरफ रख देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, प्रोमोट डिमोट से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो ये टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स बाहर निकल के आ जाएगा। चलो प्रोमोट डिमोट से हम कर लेते हैं, वैसे अगर कंट्रोल सी करोगे तो वो बैक जाके ख़त्म हो जाएगा। मैंने डिमोट किया, ख़त्म हो गया, ठीक है। और मैं टेक्स्ट बॉक्स को उठा के मैंने इसको इसके बीच में रख दिया, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस आप थोड़ा माइंड अपना इस्तेमाल करें, सारा काम ईजी है, ठीक है। एक वे से आपके पास काम नहीं हो रहा, सेकंड वे इस्तेमाल करें, सेकंड से नहीं हो रहा थर्ड वे इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हमारे पास सारे इसके डिज़ाइन हैं, लेआउट्स में चेंज कलर्स। अब हमारे पास ये ब्लू कलर है, इसके अंदर मुझे इसका कलर चेंज करना है। देखिए इसके अंदर अब काफ़ी सारे डिज़ाइन आए हैं कलर के, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, वो एक्टिव हो गया, ये अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक किया, जो आपको अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से आप उस पर क्लिक करते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर उसी डिज़ाइन के और कलर्स आ चुके हैं, स्टाइल मतलब आ चुके हैं थोड़े 3D टाइप। याद होगा अब हमने टेक्स्ट की शेडो पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, ग्लो पढ़ी थी, और हमने शेप की शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो पढ़ी थी, उसके अंदर 3D टाइप का कुछ शेप थे, तो ये इसके भी ऐसे ही है। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया, ये देखा कैसे लगा। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें इधर आया कलर्स में, ठीक है, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर। अब मेरे पास डी एक्टिव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला जो हमारे पास स्टाइल था, मैंने ये वाला एक्टिव किया हुआ, तो इस वजह से मेरे पास कलरफुल एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये ऑप्शन भी पढ़ लिया, ये ऑप्शन भी पढ़ लिया, ये चेंज कलर भी हमने देख लिया। थोड़ा इसको स्क्रब करते हैं तो नीचे वो काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाएंगे आपके पास, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके और इधर डिज़ाइन स्टाइल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। रीसेट की ग्राफिक, अगर आपको सारी सेटिंग रीसेट करनी है तो रीसेट पर क्लिक करें, सारी सेटिंग आपके पास रीसेट की, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन बड़े काम की, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।